नगर आयुक्त अतेंद्र पाल पर एक कार्यपालक सहायक ने एक बड़ी आरोप लगाया है कि मारपीट और गाली गलौज, कहाँ तक ये सत्य है माना जा रहा है? ये हम लोग सुने थे और इलेक्शन ड्यूटी था। ये तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे नगर आयुक्त इतने बड़ा इलेक्शन करा लेने अपने बल पर, और ये तो बहुत बड़ा सराहनीय है और बहुत बड़ा शांति स्वभाव है कि हम लोग का शांति स्वभाव से पूरा रोहतास जिला के इलेक्शन हो गया। हमारे नगर आयुक्त के टोटल कार्यभार उन्हीं को दिया गया था। जो शुभम वाली बात आ रही है तो ये बिल्कुल गलत है। हाँ, उसका ड्यूटी था, उन्हें सो गया थी मालूम है, उस पर फ़ोन करने पर नहीं उठाया था। हमारे नगर आयुक्त उस पर डांट लगाया था, उन्होंने गाली गलौज नहीं किया था, इसमें गलत आरोप है। और जो भी उनके कर्मचारी हैं या जो भी पदाधिकारी, छोटे पदाधिकारी हो सके लपड़ थप्पड़ किए होंगे, मगर ये उन पर जो आरोप लगाया जाता है कि हमारे नगर आयुक्त मारे हैं, ये सब बिल्कुल वो उन्होंने बयान दिया है हमारे मीडिया के सामने। लाठी डंडे से वार कर उनके गुप्ता पर भी ये हमारे मीडिया के सामने कहे हैं कि नगर आयुक्त साहब हम पर डंटा नहीं चला है, उन पर गलत आरोप है। क्या लग रहा है कौन किया होगा ऐसा? क्या राजनीति है या फिर ये राजनीति है कि गंदी राजनीति के शासन के नगर निगम की गंदी राजनीति है? किसने ऐसा काम किया होगा फिर? अब उसमें साक्ष क्या है वो तो जांच बैठने के बाद पता चलेगा, मगर हमारे नगर आयुक्त इतना बड़ा आरोप जो लगाया जा रहा है, ऐसा घटिया काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है मुँह है, अफसर है, कुछ छोटी मोटी बातें निकल सकती है, मगर लाठी डंडा ये नहीं चला, ये गलत आरोप है। आपका परिचय? वार्ड नंबर 23 राजेश कुमार, वार्ड पार्षद करण सराय। आप वार्ड पार्षद हैं? हाँ, वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 23 का।